मिलन बधाइया जगत ते आ जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई सहारा। पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना 27 फरवरी 2019 को हुई। छब्बीस फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट और पीओके सहित तीन ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा 27 फरवरी 2019 को रात 9:30 बजे के आसपास भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया था। इसके कुछ मिनट बाद 10:10 पर श्रीनगर हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने उड़ान भरी। वह बड़गाम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर को स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ उड़ा रहे थे। दुर्घटना में वायुसेना के 6 अधिकारी शहीद हुए और एक नागरिक घायल हो गया। जांच में पता चला कि श्रीनगर में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर द्वारा ही ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी के बीच हुई। विंग कमांडर अभिनंदन के भारत लौटने के 1 घंटे पहले खबर आई कि कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा के लंगेट इलाके में बाबा गुंड गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान मारे गए। बाबागुंड मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और कुछ आतंकी मलबे में छिप गए थे। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को मृत माना गया और वे आगे बढ़े। मलबे में छिपे आतंकवादियों की गोलीबारी में 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। सुरक्षा बलों ने बाद में एक और आतंकवादी को मार गिराया। पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन 60 चलाया। ऑपरेशन का उद्देश्य कश्मीर घाटी में सक्रिय 60 आतंकवादियों को मारना था। इनमें से 35 आतंकी पाकिस्तान के थे।